नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले भाजपा की तरह कांग्रेस भी अब भाजपा नेताओं को अपने पक्ष में करने का काम कर रही है। बीते दिनों सागर के सुरखी विधानसभा की पूर्व भाजपा विधायक पारुल साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा था। इसकी चर्चाएं अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सागर के सुरखी विधानसभा के कद्दावर भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर की कांग्रेस में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आ रही है उसके हिसाब से भाजपा नेता राजेंद्र मोकलपुर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सुरखी विधानसभा में भाजपा को एक और बड़ा झटका लग सकता है। देखा जाए तो बीते दिनों पारुल साहू और राजेंद्र से मोकलपुर लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। दोनों नेताओं को चाय पर चर्चा और चुनावी चर्चा करते देखा गया था। सूत्रों की माने तो जल्दी कद्दावर नेता राजेंद्र मोकलपुर सहित अन्य नेता कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सागर से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार।